वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत नमस्कार। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। सच में हम सब लोग बिना मार्गदर्शन देने वालों के, बिना अपने मेंटर, अपने साथी, दोस्त के बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी होती है। तो ये बार बार जूही रानी जी, नगेंद्र सिंह जी, मीना जी, मनीष जी, नितिन विष्णोई जी, निशांत सिंह, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़िए भी, स्टूडेंट से आप भी एक दिन टीचर के जर्नी को भी जीने का प्रयास कीजिए, पढ़िए भी और पढ़ाइए भी, बहुत मजा आता है। क्योंकि सच में किसी ने कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब भगवान के 3 प्रकार के भगवान होते हैं और 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार का भगवान, एक भगवान जो रचयिता है, जो बनाता है, एक जो बसाता है, एक जो बर्बाद कर देता है। गुरु वही है जो बनाएगा भी, बसाएगा भी और बर्बाद भी कर देता है। बर्बाद उसको करता है जिसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, आपकी सारी बुराइयों को खत्म करेगा। कल मेरे प्यारे भाई बहनों, कल हमने शुरुआत की थी, कल का माहौल कुछ ऐसा था कि चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन ये इंटरनेट और ये बफरिंग थोड़ा मूड और माहौल को थोड़ा सा प्रभावित कर दिया। तो हमने कल बात की थी हार्डली के बारे में, हमने बात की थी स्कार्सली के बाबत, हमने नो सुनर के बारे में बात की थी, हमने एस सुनैच के बारे में बात की थी। हरेंद्र जी त्रिपाठी जी, आपकी भतीजी बिल्कुल बहुत बिंदास, बहुत बेहतर, बहुत खुश है। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे इसी प्रकार से। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप अभी नहीं आए तो फटाफट आ जाइए। अगर आप अभी सो रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं तो जाग जाइए। चाय पी रहे हैं तो मेरे साथ पीना शुरू कीजिए और फटाफट ये सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पिछले वाले सेशन की भी झलक मिलेगी आपको देखने को, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने नो सुनर के बाद क्या आएगा, नो सुनर के बाद हमने बात की थी, नो सुनर के बाद देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन का इस्तेमाल करेंगे हम, और एस सुन एस के साथ न देन आएगा न देन आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप चाहते हैं कि मैं कल की जो बात हुई थी उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए, और फिर जो 31 तक हमने बात की थी, 21 तक जो बात की थी, थोड़ा जीभ कट सा गया है, पता नहीं किसने गाली दिया तो थोड़ा सा जवान लड़खड़ाएगा तो माफ कीजिएगा। 22 से शुरू करने से पहले क्या आप चाहते हैं कि एक बार मैं नो सुनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन और एज सुन एज के साथ न देन आएगा न देन आएगा, इसको मैं रिपीट कर दूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे एक बार रिवाइज करवा दूं, रिपीट कर दूं, जो थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा, कंफ्यूजन होगा, वो दूर हो जाएगा, तो आप थम्स अप कीजिए ताकि मैं इसको रिवाइज कर सकूं। चंद मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर हर चेहरा चांद जैसा मुस्कुराने लगेगा। फटाफट बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं इसे कपिल शुक्ल जी, माय फर्स्ट व्यू ऑफ यू मैम प्लीज, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। विवेक शर्मा जी, बहुत बच्चे नो 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 नो, बहुत बच्चे कहा यस, ओके सर, नो सर, प्लीज रिवाइज सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था कि बहुत बच्चे, देखिए थम्स अप आ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे चाहते हैं कि रिवीजन हो, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कल जो क्लैरिटी के साथ बात आप समझ पाते, मैं समझा पाता, वो बफरिंग के चक्कर में जो डिस्कनेक्टिविटी डेवलप हुई वो खा गया हर चीज को, वो क्लैरिटी को खत्म कर दिया। इसलिए हम आपके साथ बिल्कुल तैयारी करके आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे को क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना मिला, कितना नहीं मिला, उसके मुताबिक हम आपके लिए कुछ तैयार करके लाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा, ये सेशन टू जो हम यहां पे आने से पहले, मैंने खुद पहले लिखा मुझे विश्वास था कि आप जरूर इसे सुनना पसंद करेंगे, रिवीजन आप जरूर इसका चाहेंगे, इसलिए मैंने पहले जो लिखने में करीब 1 घंटा मुझे लगा और 1 घंटा जो यहाँ पे आपको बताते वो मैं लिख कर लाया हूँ आपके लिए। आप चाहेंगे तो इसका पेज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नो सुनर के बाद दैन का इस्तेमाल होगा, नो सुनर के साथ दैन का इस्तेमाल होता है क्योंकि सुनर के साथ सुनर एक कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इसके साथ हम दैन का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में अर्थ आएगा ज्यों ही और त्यों ही। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बी ऑल आईज एंड ऑल ईयर्स। सिर्फ अभी सुनना, जब मैं बोलूंगा बोलो, कमेंट करो, फिर अपना हाथ चलाना, हाथ को संभाल के रखो, बहुत बेशकीमती चीज है, पता नहीं ये हाथ क्या क्या कमाल कर सकता है। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन बिफोर, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन बिफोर का प्रयोग करेंगे और इसका मतलब होगा मुश्किल से, मुश्किल से, कि मुश्किल से ही, मुश्किल से मैं घर से बाहर निकला था कि बारिश होने लगी, मुश्किल से पापा घर पहुंचे थे कि मम्मी पिटाई शुरू कर दी। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज के साथ जैसे, नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल किया, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या एज सुन एज का भी कोई पेयर है? क्या एज सुन एज के साथ भी कोई आएगा या ये मोदी जी के जैसा, योगी जी के जैसा अकेला ही रह के कमाल करेगा? यस, ये हमारे मोदी जी, हमारे मोटा भाई का ये सिनोनिम है। एज सुन एज के साथ, एज सुन एज के साथ कभी न दैन न देन, कुछ भी नहीं आएगा, नो कंजंक्शन एट ऑल। अब देखिए, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं नो सुनर का प्रयोग। देखिए मैं लिख कर लाया हूं, कहते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। नो सुनर का प्रयोग, नो सुनर का प्रयोग। 2-3 बातें नो सुनर के बारे में आपको जाननी है, 2-3 बातें आपको नो सुनर के बारे में जाननी है। नो सुनर का प्रयोग जब भी वाक्य के शुरुआत में हो, यानी नो सुनर आप जब भी देखेंगे, अमूमन 99% केसेज में देखेंगे तो ये वाक्य शुरुआत में ही आपको मिलेगा। नो सुनर वाक्य शुरुआत में ही आपको मिलेगा। 60 क्वेश्चन मैंने दिया है, आप देखोगे ये वाक्य शुरुआत में ही दिया गया है, सारे एग्जाम में आए हैं और वाक्य शुरुआत में ही आते हैं। तो नो सुनर का प्रयोग जब भी वाक्य के शुरुआत में हो, इसके बाद पास्ट टेंस में, इसके बाद पास्ट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब डिड या हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है। जब भी नो सुनर का प्रयोग, जब भी नो सुनर का प्रयोग वाक्य शुरुआत में हो तो पास्ट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब डिड और हैड, ऑक्सिलियरी वर्ब डिड और हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है। से छुटा हुआ है का प्रयोग सब्जेक्ट से लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट से पहले होता है, यानी कि डिड हैड सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब देखिए, अगर डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या कहोगे? आई डिड नॉट वेंट या आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट वेंट या आई डिड नॉट गो, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि डू डज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड आ गया तो खुद ही डिड पास्ट बन गया, तो फिर आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, नए सॉरियस होगा। तो देखेंगे आप नो सुनर। आप छापना मत इसे, इसका पीडीएफ मैं आपको, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा और देना भी चाहिए, आप बोलो ना बोलो, आप मुझे सुनना, सिर्फ सुनना। इसका टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास अभी खत्म हुई, आपको मिल जाएगा। नो सुनर के साथ डिड आ गया, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? जब डिड होगा। थर्ड फॉर्म कब आएगी? हैड होगा। पॉइंट ए मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। नो सुनर का प्रयोग जब भी वाक्य शुरुआत में हो तो इसके बाद पास्ट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब डिड या हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है। डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे पूरा विश्वास ये पॉइंट आप क्लियर कर चुके होंगे। नो सुनर के साथ कंजंक्शन के रूप में दैन का प्रयोग करें, प्रयोग करें। नो सुनर के साथ दैन, नो सुनर के साथ दैन, नो सुनर की लुगाई दैन, नो सुनर की लुगाई दैन, नो सुनर की लुगाई दैन, दैन दैन दैन, नो सुनर के साथ, क्योंकि इस पर आधारित हजारों बार सवाल पूछे गए हैं, करोड़ों बार सवाल पूछे जा चुके हैं। नो सुनर के साथ दैन आएगा, देन आएगा, वेन भी आएगा, बिफोर भी आएगा, लेकिन अगर देन आया, अगर वेन आया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देन आया, वेन आया, देन आया, वेन आया, बिफोर आया, जो आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको काट के आना है, वेन को काटना है, बिफोर को काटना है। अगर आप तीनों को नहीं काटते हैं तो एसएससी काट देगी आपका, एसएससी काट देगी आपका क्या, ढाई नंबर। पॉइंट नंबर 3, अगर नो सुनर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो, या तो सब शुरुआत में हो या सब्जेक्ट के बाद हो, या तो शुरुआत में हो या बाद में हो, शुरुआत में आपको समझा चुके हैं। अब अगर नो सुनर का प्रयोग, अगर नो सुनर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो तो, सब्जेक्ट के बाद हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले करे। अगर नो सुनर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले इसका प्रयोग करे, पहले इसका प्रयोग करें। अब देखिए हमने क्या कहा, नो सुनर अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो मेन वर्ब के पहले आ गया, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद, और अगर ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले, तो मेन वर्ब के पहले। तो ध्यान रखना है आपको, अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो ये प्लेसमेंट होना चाहिए, ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए, ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। और अगर शुरुआत में है तो शुरुआत में है तो नो सुनर के बाद डिड होना चाहिए, नो सुनर के बाद हैड होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। रखना क्या है, 60 क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप बैठता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा स्टीफन जी, आप मुझे लगता है अंधा और बहरा समझ रहे हैं, अंधा ही समझ रहे होंगे। आप अन्य बच्चों को भी मैसेज करने का मौका दीजिए। Here are some important structures, नो सुनर पे आधारित कुछ स्ट्रक्चर्स है, मैं उसको आपको बता दूं। नो सुनर, here are some important structures, कौन कौन से हैं तो देखिए। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं, पहले शब्दों के जरिए समझाया, कॉन्सेप्चुअली समझाया, अब स्ट्रक्चरली आपको समझा रहे हैं, अब स्ट्रक्चरली आपको समझा रहे हैं। नो सुनर के बाद, नो सुनर शुरुआत में, नो सुनर शुरुआत में, नो सुनर शुरुआत में आए तो डिड पहले आएगा, हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन आ जाएगा, और देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट आएगा, हमेशा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, देख लीजिए आप। नो सुनर आ गया, हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहले भी समझा चुके हैं आपको, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख के आपको दे रहे हैं। नो सुनर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट आ गया नो सुनर, अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो मेन वर्ब के पहले आ जाएगा, या ऑक्सिलियरी प्लस मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा। ये बता चुके हैं आपको, सब्जेक्ट प्लस नो सुनर, सिंपल पास्ट में ऑक्सिलियरी नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं ऑक्सिलियरी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे नो सुनर फिर हेड आ गया, यानी ऑक्सिलियरी के बाद और मेन वर्ब के पहले, ऑक्सिलियरी के बाद मेन वर्ब के पहले। और देन के बाद देखो ना, देन के बाद सब एक ही जैसा है, देन के बाद तो एक ही जैसा है। नोट में हमने क्या लिखा, देन के बाद पास्ट परफेक्ट नहीं, देन के बाद पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करें, देन के बाद पास्ट परफेक्ट नहीं, देन के बाद पास्ट परफेक्ट नहीं, बल्कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करें, बल्कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। हाँ, 2.5 नंबर काटते, बहुत ही सुंदर। अब आइए हार्डली स्कार्सली के प्रयोग के बारे में बात करें, हार्डली स्कार्सली के प्रयोग के बारे में बात करें। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बिल्कुल मत कीजिए आप, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ये देखिए हम लिख के लाए हैं आपके लिए, हम चाहते थे ऐसे भी समझाते, लेकिन हमने कहा जो लिखने में जो वक्त जाएगा वो कम से कम यहां बचाते हैं, समझाने में इस्तेमाल करेंगे। हार्डली स्कार्सली का प्रयोग जब भी वाक्य के शुरुआत में हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब, बेसिकली जो सेंटेंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें ऑक्सिलियरी हेड ही बार बार आता है, इसलिए हेड को हमने हाईलाइट किया है। ऑक्सिलियरी वर्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस सवाल को बना रहे हैं हम लोग उस सवाल में हेड का ही प्रयोग होता है। तो हार्डली स्कार्सली का प्रयोग जब भी वाक्य शुरुआत में हो तो ऑक्सिलियरी वर्ब हेड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। हार्डली स्कार्ड, जैसे नो सुनर भी शुरुआत में आया तो डिड और हैड आया, उसी प्रकार हार्डली भी शुरुआत में आएगा, स्कार्सली भी शुरुआत में आएगा, तो ऑक्सिलियरी वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, और मेन वर्ब अगर हैड है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन के रूप में व्हेन ऑब्लिक बिफोर का प्रयोग करे, या तो व्हेन का प्रयोग करे या बिफोर का प्रयोग करे। हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आया, बचा लिया आपने ढाई नंबर, बिफोर आया, बचा लिया आपने ढाई नंबर, लेकिन देन आया, डेट आया, देन आया तो कटवा लिया आपने ढाई नंबर। देन, देन, डेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, कल भी समझाया, आज भी आपको, और ये पीडीएफ देंगे, पढ़िएगा और मजा आएगा आपको। ये सबका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सबका पीडीएफ आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, अगर हार्डली स्कार्सली का प्रयोग, एक था हार्डली स्कार्सली का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में, जब भी वाक्य के शुरुआत में, एक है हार्डली स्कार्सली का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, जैसे नो सुनर भी हुआ था वैसे सब्जेक्ट के बाद हो तो इसका प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब हैड के बाद तथा मेन वर्ब के पहले करेंगे, यानी ऑक्सिलियरी के वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद। नो सुनर का भाई है ये नो सुनर का भाई है, नो सुनर भी ऑक्सिलियरी के बाद मेन वर्ब के पहले। हां, अगर ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है तो ये जब हट जाएगा तो बच जाएगा सब्जेक्ट, हार्डली स्कार्सली मेन वर्ब बच जाएगा। ऑक्सिलियरी नहीं है तो मेन वर्ब के पहले, ऑक्सिलियरी है तो ऑक्सिलियरी के बाद और मेन वर्ब के पहले। हियर आर सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसका भी हम लिख के लाए हैं। हार्डली स्कार्सली वाक्य के शुरुआत में आएगा तो हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली स्कार्सली वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हार्डली स्कार्सली सब्जेक्ट के बाद आएगा, व्हेन बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये शुरुआत में आया, ये सब्जेक्ट के बाद में आया, ये शुरुआत में आ गया वहां पे, ये बाद में आया। कितना आसान है बताइए आप, बहुत ही आसान है। ये बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एज सुन एज का प्रयोग, 3 प्रयोग मैंने बताया। एज सुन एज वाले वाक्य में दोनों क्लॉजेस का, या तो का नहीं आएगा बल्कि को आएगा। एज सुन एज वाले वाक्य में दोनों क्लॉज को या तो सिंपल पास्ट में रखें या रखें सिंपल प्रेजेंट में, या तो सिंपल पास्ट में रखे या रखे सिंपल प्रेजेंट में। एज सुन एज के साथ देन या कोई, ये कोई था कई कैसे आ गया, कोई अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करे, कोई अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करे। एज सुन एज सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। देन नहीं आएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लीजिए, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते हैं। और मैं मानता हूं कि मेहनत और मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेहनत करके आया हूं तो निश्चित रूप से मुझे पता था कि कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन रही होगी, इसलिए मैं तैयार करके आया हूं। देखा आपने कितने बच्चों, यस सर यस सर यस सर, रिवीजन, मुझे पता था आपके मन की बात, इसलिए जैसे मैं यहां मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत कीजिए। अब आइए फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, 3 बातें हमने जानना। देखिए, नो सुनर के साथ देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर आएगा, एज सुन एज जैसे ही, और एज सुन एज के साथ देन नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में क्या होता है, एज सुन इतना ही लिखा जाता है, ये भी एरर बन जाएगा। एज सुन एज होगा, आधा एज सुन नहीं लिखेंगे, ये आएगा तो एरर बन के आएगा। आएगा आपका काटने के लिए, क्या काटने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ढाई नंबर काटने के लिए आएगा। नो सुनर का प्रयोग बताया, नो सुनर के साथ देन आएगा, और इन्वर्जन में हमेशा डीड और हैड इसके बाद आ जाता है। इन्वर्जन को लेकर परेशान मत होइए आप। फिर हमने आपको बताया हार्डली स्कार्सली के बारे में, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर का प्रयोग किया जाता है, और देन देकर एरर दिया जाता है। स्ट्रक्चर भी हमने यहां पर लिखकर बता दिया आपको, और एस सुन एच के बारे में बता दिया कि एस सुन एच के साथ कभी दैन दिन का इस्तेमाल मत करना। एस सुन एच पूरा लिखना, एस गायब करोगे एरर बन जाएगा। और दोनों ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आइए, अब हमने बता दिया सारी बातें। बेसिकली याद रखना कि नो सुनर शुरुआत में आएगा ना, तो उसके बाद नो सुनर के बाद डिड और हैड, नो सुनर के बाद डिड और हैड, इसमें से कोई होना चाहिए। नो सुनर वाक्य शुरुआत में जब भी दिख जाए, नो सुनर वाक्य शुरुआत में जब भी दिख जाए तो उसके जस्ट बाद डिड हैड, डिड हैड, डिड हैड, डिड हैड, डिड हैड, डिड हैड होना चाहिए और कंजंक्शन के रूप में देन होना चाहिए। बस दो बातें ध्यान रखना, नो सुनर के बाद डिड हैड, नो सुनर के बाद डिड हैड, नो सुनर के बाद डिड हैड। जब नो सुनर से शुरुआत हो, नो सुनर से शुरुआत हो, जब नो सुनर से शुरुआत हो, जब नो सुनर से शुरुआत हो उसके बाद डिड हैड, उसके बाद डिड या हैड, डिड या हैड, डिड या हैड, डिड या हैड और कंजंक्शन ग्रुप में देन, कंजंक्शन ग्रुप में देन, कंजंक्शन ग्रुप में देन। हार्डली स्कार्सली से शुरुआत हो, हार्डली स्कार्सली से शुरुआत हो तो उसके बाद हैड, उसके बाद हैड, हार्डली हैड, हार्डली हैड, हार्डली हैड, हार्डली हैड और कंजंक्शन ग्रुप में व्हेन बिफोर, कंजंक्शन व्हेन बिफोर, कंजंक्शन व्हेन बिफोर, कंजंक्शन व्हेन बिफोर, कंजंक्शन व्हेन बिफोर। व्हेन बिफोर किसके साथ? हार्डली स्कार्सली। व्हेन बिफोर किसके साथ? हार्डली स्कार्सली। अगर नो सुनर शुरुआत में आ जाए तो डिड हैड, नो सुनर शुरुआत में आ जाए डिड हैड, नो सुनर शुरुआत में आ जाए डिड हैड और हार्डली स्कार्सली शुरुआत में आ जाए हैड, हार्डली स्कार्सली शुरुआत में आ जाए हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखते हैं आप बना पाते कि नहीं। वी हैड हार्डली, अब देखो हमने कहा था ना हार्डली ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होगा अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा, आया सब्जेक्ट के बाद, जो बताया वही आया। वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन Then the train started। बताइए आप बताइए फटाफट हार्डली के साथ क्या आएगा, हार्डली के साथ क्या आएगा? कंजंक्शन। जब तक समझ में ना आ जाए बस नहीं करूंगा। सुरेश मीना जी, प्रीति सिंह, 22 का बी, 22 का बी बहुत ही सुंदर, 22 का बी आएगा हार्डली के साथ, देन नहीं वैन का इस्तेमाल करेंगे, हार्डली के साथ देन नहीं वैन का इस्तेमाल करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, हार्डली हैड, ये तो सही हुआ, हार्डली हैड आवर फ्रेंड बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू इंक्वायर अबाउट हर आर ओल्ड कॉल, हर आर ओल्ड कॉल, एक घंटा पुराना जो कॉल आया था। दैट फोन वॉज बैंग्ड डाउन, द फोन वॉज बैंग्ड डाउन। अब देखते हैं 23 में क्या आएगा, 23 में क्या आएगा, 23 में 23। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ध्यान से सुनिए, अगर ये सब संभव नहीं है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बता दीजिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का 23 देखते कौन बनाता। 23 का बी राजकुमार ने, जूही रानी ने बी कहा है, बहुत ही सुंदर। हार्डली हैड आवर फ्रेंड बिगन टू इंक्वायर अबाउट हर आर ओल्ड कॉल, डैट, डैट नहीं आएगा, हार्डली के साथ डैट नहीं आता है, हार्डली के साथ डैट नहीं आएगा, हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। सुनील जी, शिवानी जी, राजेश, ईरा, ईरा क्या बात है, सौरभ, सुनील, प्रीति, मोहम्मद गुलजार, जूही रानी, निशा, आलोक, राहुल, सुमित, राजेश, सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 24 नंबर क्वेश्चन, नो सुनर के बाद डिड आ गया, नो सुनर डिड, ये तो सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया। नो सुनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द ट्रेन हेवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन, क्या बात है। नो सुनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन, नो सुनर के बाद व्हेन द रेन क्या आएगा देखते हैं। राम राम जी, अंकुर जी, राम राम जी, फटाफट That remove। 24 का देन, क्या बात है, नो सुनर के साथ देन, वेन कटेगा और देन का इस्तेमाल करेंगे सारे भाइयों बहनों। ऋचा जी ने, गोपाल जी ने, हैप्पी जी, भूमिका जी, शिवानी जी, अलीसा, आलोक, सौरभ, महिमांशु, रामेंद्र, गजल, अतुल, सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पे नो सुनर के साथ क्या आएगा, देन का इस्तेमाल करेंगे, हार्डली हटेगा। बहुत बच्चे देखते हैं वेन भी रखते हैं और देन उसके बगल में लिख देते हैं, क्यों काटू भाई, हम काट छाट नहीं करते हैं, अहिंसा प्रेमी लोग हैं। नहीं नहीं, काटना पड़ेगा, वैन को काट कर हटा कर वहां पर दैन लिखना पड़ेगा, साथ साथ मत लिख देना। ऐसे भी क्लास में बातें होती थी। वी हैड स्कार्सली जो मैंने सिखाया, देखो सेंटेंस वैसे ही आ रहा है, हैड के बाद स्कार्सली वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हेवली। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर, नहीं 25 नंबर क्वेश्चन, 25। हार्डली ही हैड अराइव्ड when the house caught fire. Oh my God, very difficult. 25th, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। पच्चीस का ए, रामेंद्र पांडे जी कमाल कर रहे हैं, पांडे जी कमाल कर दिया आपने। 25 का ए आपने कहा है, 25 का ए रामेंद्र जी, शायद आपने इसलिए कहा होगा कि जब हार्डली स्कार्सली नो सुनर जब वाक्य शुरुआत में आता है तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, और शायद रामेंद्र जी यही वजह है कि आपने ए को एरर माना। हार्डली हैड ही अराइव, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। सारे बच्चों ने, कुछ बच्चा सी भी कह रहा है, देन का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चुल्लू भर पानी है आपके पास, चुल्लू भर पानी, वो दे दो मुझे, मैं डुबकी लगा के खत्म ही कर लू अपने आप को। यह भी एरर हो रहा है, बताओ, सी कह रहे हो, दे दो पानी, पानी दे दो, मैं शर्मसार हो रहा हूं, ऐसा ना हो कि पसीना का पानी में ही मैं अपने आप गोता लगा दूं। मुझे लगता है 26 का सी कह रहे होंगे, फिर भी देखते हैं 26 का क्या आएगा आंसर। 25 का ए, 25 का ए, आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगता है आप सारे बच्चे 26 के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखिए, जब भी आंसर दीजिए तो क्वेश्चन नंबर लिख के दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख कर दीजिए आप। वी हैड स्कार्सली reached the place then it started to rain heavily. 26 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी बजाइए। 26 का धनंजय बाबा, धनंजय बाबा 26 का सी, क्या बात है, 26 का सी, देन नहीं व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, देन नहीं व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, और सही जवाब दिया आप सब लोगों ने। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कौन क्या बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, मैंने बता रखा है आपको, सारी बातें बता रखी है हमने। नो सुनर के बाद देन भी समझा रखा है हमने, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन बिफोर भी समझा रखा है हमने, एज सुन एज के बाद भी बताया है आपको कि एज सुन एज के बाद, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम न देन इस्तेमाल करते न देन इस्तेमाल करते हैं। एज सुन एज के साथ देन देन नहीं आएगा, देन देन नहीं आएगा। अब देखिए ना, आपको विश्वास नहीं होता तो आइए आपको ले चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, एज सुन एज के साथ देन देन या कोई अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करे। एज सुन एज के साथ देन देन या कोई अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करे। ये हमने सारी बातें, जो मैंने आपको जो 60 सवाल दिए गए हैं आपको, वो सवाल जितने बातें आपको समझाई हमने ना, ये नो सुनर के बाद देन, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन बिफोर, एज सुन एज, जैसे ही एज सुन एज के साथ देन देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 8 पेज में मैंने पूरे 60 सवाल का जवाब दे रखा है। ये बात करते हैं तो घबराना नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस सेंटेंस देन, देन द प्लेन टुक ऑफ लिविंग मी स्टैंडर्ड इन एन एलियन प्लेस। स्कार्सली के साथ देखिए डिड का भी इस्तेमाल किया गया, हैड का भी इस्तेमाल होता है, यहां पे क्या आएगा, देन का इस्तेमाल करेंगे हम। Scarcely के साथ, scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off, leaving me stranded in an alien place. 28 का ए बताएगा या क्या आएगा बताइए 28 का माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा, कुछ अर्जेंट बातें हो गई थी इसलिए मैं जाना पड़ा नीचे मुझे। Scarcely did I reach the airport, scarcely did I reach the airport, nervous and tense, then the plane took off. क्या आएगा? किसी बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, scarcely की जगह हम नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हार्डली scarcely के साथ had का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, तो डिड नहीं आएगा, यहां पे आएगा नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट, नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट। 28 का ए आएगा, बी नहीं। नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट, नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट, नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट। क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ हमने लिखा था ऑक्सिलियरी के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, आप भूल गए होंगे। स्कार्सली देख लीजिए ना आप सब जगह, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, सेम क्वेश्चन है। स्कार्सली डिड आई रिच द एयरपोर्ट नहीं आएगा, नो सुनर डिड आई रिच द एयरपोर्ट देन, तो नो सुनर के साथ देन बिल्कुल सही है, हम यहां पर चेंज करेंगे। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, क्या आएगा यहां पर? क्वेश्चन माफ कीजिएगा, मैं नीचे आपकी भतीजी ने आवाज लगाई और मुझे जाना पड़ा, वो जीना चढ़ने लगती है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 प्लीज वापस आ जाइए और फिर से शुरुआत करते हैं। 29 29 का बी, मनीष कुमार ऋषिकेश, बी 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 बी, बहुत सुंदर। कुछ बच्चे उसको खुद ही मैसेज करना चाहते हैं। ट्वेंटी नाइन का बी आएगा, क्योंकि यहां पे स्कार्सली के साथ देन नहीं, हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, और स्कार्सली he had gone for a few steps when his brother called him back. क्या आएगा बताइए? Scarcely he had gone for a few steps when his brother called him back. बिल्कुल सही जवाब आपने 29 का. और आखिरी सवाल है, फटाफट बताएं आखिरी सवाल. आखिरी सवाल फटाफट, आखिरी सवाल. बिगेन, स्टार्ट और बिगिन के साथ अनुज जी, स्टार्ट और बिगिन के साथ दोनों आते हैं. इट स्टार्टेड रेनिंग और इट स्टार्टेड टू रेन. ही बिगिन्स क्राइंग और ही बिगिन टू क्राई. बोथ आर करेक्ट बट अर्थ बदल जाता है, क्योंकि जिरंड का अर्थ कुछ और होता है और इन्फिनिटिव का अर्थ कुछ और होता है. जैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू भी सही है और आई एम सॉरी डिस्टर्बिंग यू सही, दोनों सही है, अर्थ बदल जाता है. तो हम कभी समझाएंगे जब आपको जिरंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जिरंड और इन्फिनिटिव में क्या अंतर है और किस वर्ब के बाद कौन सा, किस अजट के बाद कौन सा जिरंड आएगा, कब इन्फिनिटिव आएगा. लेकिन ये अभी जानने की बात नहीं है. अभी तो मैंने स्कार्सली हार्डली के बारे में बताया और सारे बच्चों ने 30 का सही जवाब दिया, क्योंकि सब पूरा हिंदुस्तान जान गया है आज, पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा शुरुआत में हैड का इस्तेमाल करते हैं. स्कार्सली हैड, स्कार्सली हैड, स्कार्सली हैड. बिल्कुल सही जवाब. और अगर आपको ये 30 सवाल बना के अगर कॉन्फिडेंस आया है आपको कि नहीं, हार्डली स्कार्सली से संबंधित सवाल आ जाए, नो सुनर से संबंधित सवाल आ जाए, एस सुनर से संबंधित सवाल आ जाए, तो हम बना कराएंगे एग्जाम में, हम बना कराएंगे एग्जाम में. आप थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए. आप अगर आपको समझ में बात आई थम्स अप दीजिए ताकि बात आगे बढ़ाई जाए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. देखिए कितने बच्चों ने, कितने कम बच्चों ने शेयर किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है. ये संख्या जल्द से जल्द हजारों तक पहुंच जानी चाहिए, सैकड़ों से हजारों तक. आपको जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है क्रिस्टोफर्स ऐप पे, वो हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो. आप हमारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो तैयारी करके गए हैं. बैंक वाले बच्चे भी अच्छा किए हैं, कई बार यूट्यूब पे आके क्लासरूम में हमने लाइव भी किया था कि पता चले कि बैंक का भी अंग्रेजी वही होता है जो यहां पढ़ाया जाता है, सीरियस का, एनडीए का, एसएससी का, सीबीओ का, सब जगह. बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब लोगों को बात समझ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद. आइए अब बात करते हैं, ये 30 सवाल और आपको दिया गया था. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये था सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सम मोर सेशन 2 मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. मेरे प्यारे भाई बहनों, समय को ध्यान में रखते हुए ये जो सम मोर प्रैक्टिस, सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, सम मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये सेशन आज नहीं करेंगे. आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर में क्या डिफरेंस है, अ नंबर कौन है, द नंबर कौन है, क्या दोनों आपके एग्जाम में एरर बन के आते हैं, किस रूप में दोनों एरर बन के आता है आज जानते हैं. जैसे नो सुनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस, देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा. नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल करेंगे, नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ये आज नहीं करेंगे, ये आज नहीं करेंगे, करेंगे हम इसे कल, क्योंकि आज कुछ और करना है इस पल. आइए बात करते हैं. क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं. ग्रामेटिकल पॉइंट नंबर 3, अ नंबर एंड द नंबर, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर। ध्यान से समझिएगा इसे, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है, क्योंकि अ नंबर का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, अम्पटीन, कई, अनेक, अ नंबर ऑफ मेनी, अ नंबर ऑफ मेनी, अ नंबर ऑफ मेनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ मेनी, अ लार्ज नंबर ऑफ Many, a great number of, a good number of, a large number of, इन शब्दों का मतलब होता है many, many, many। तो many के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब क्या जाएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है many और many का मतलब होता है अनेक। many के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर, जो यहां मौजूद है, इज लिसनिंग टू मी, इज लिसनिंग टू मी। अब बताइए इस मिरर क्या है? आज थोड़ा लाइट चला गया था, तो लाइट चूंकि आंधी आई थी, तो लाइट के चक्कर में वो कैब का तैयारी नहीं हो पाया, वो कैब का तैयारी नहीं हो पाया, तो मैं बहुत सारा क्लास भी नहीं ले पाया हूं लाइट के चक्कर में। 4 to 6 का बैच नहीं ले पाया, 6 to 8 का बैच नहीं ले पाया लाइट के चक्कर में, इसलिए वो कैब सेशन नहीं हो पाया। लाइट तो आ गई थी, इसलिए तैयारी हो गई इसकी। अब बताइए क्या आएगा? प्रीति जी, मुस्कान बिश्नोई, आंसू अहलावत, सुरेश कुमार, जूही रानी। क्या बात है, सबने कहा आर। क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हो गया मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, मेनी स्टूडेंट्स, और यहां पे इसके मुताबिक इज नहीं बल्कि आर का इस्तेमाल करेंगे। तो अ नंबर ऑफ जहां भी सब्जेक्ट के स्थान पे आए, अ नंबर ऑफ का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट के स्थान पे हो, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल, वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। कोई पूछेगा व्हाई आर यू यूजिंग प्लूरल वर्ब विद अ नंबर ऑफ? द आंसर इज वेरी सिंपल, लेट हिम नो a number is equal to many, a number of is equal to many, a great number of is equal to many, a large number of is equal to many, many means plural noun, plural verb, इसलिए a number of के साथ हम plural verb का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच में आप बना भी रहे होंगे और कभी कभी मौका मिले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिएगा। शेयर भी कीजिएगा, काफी हो जाएगा, क्योंकि शेयर करने का मजा ही कुछ और है। एक और सवाल मैं लिखता हूं। A number of girls has fallen in love with Deepak Kalal. Deepak Kalal, आप जानते होंगे दीपक कलाल को। A number of girls has fallen in love with Deepak Kalal. देखते हैं कौन सही बनाता है। प्रीति जी, गजल वर्मा, राजवीर जी, रुपेश जी, अंकित जी, विकास जी, जयेंद्र कुमार निगम, राजीव रंजन, भूमिका कौशिक, सबने कहा हैव होगा, हैव होगा, हैव होगा। क्या बात है। मुस्कान ने भी, प्रीति ने भी, अलीसा ने भी, अमन ने भी, मिश्रा जी ने भी, सीनू रावल, अंशु अहलावत, जूही रानी, सबने हैव कहा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे हैज नहीं, हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव, बिल्कुल। गुप्ता जी, पूजा जी, चंद्रदेव कुमार जी, विकास जी, जूही रानी, पूनम जी, राधा वर्मा, सब लोगों ने हैव का इस्तेमाल किया। वेरी गुड, वंडरफुल, कमाल हो गया। हैव का ही इस्तेमाल हम करेंगे। वेरी गुड। तो देखिए, और नंबर के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं द नंबर। द नंबर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या। द नंबर, द नंबर, बेसिकली इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ये द नंबर होता है। और द नंबर सिंगुलर है, इसलिए द नंबर सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द नंबर सिंगुलर, द नंबर सब्जेक्ट। उस वाक्य में सब्जेक्ट, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई पूछेगा इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ये प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट ये प्लूरल नाउन है। और नंबर में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है, और नंबर में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है, और नंबर में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है, और इसलिए वर्ब आता है प्लूरल, इसलिए वर्ब आता है प्लूरल, इसलिए वर्ब आता है प्लूरल। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, द नंबर में सब्जेक्ट ये नहीं होता है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? द नंबर। द नंबर सब्जेक्ट है, द नंबर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब आ जाएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। द नंबर ऑफ का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, 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 संख्या सिंगुलर, वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। तो द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, और नंबर ऑफ के साथ, और नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो अ नंबर है, अ है, अ, लेकिन लेता है प्लूरल, लेता है प्लूरल वर्ब। एंड द नंबर सिंगुलर, द नंबर सिंगुलर, द नंबर सिंगुलर, अ नंबर प्लूरल, अ नंबर प्लूरल। बस इसको दिमाग में बैठाना है। क्यों ऐसा होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। आइए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखते हैं कौन सही बनाता है। पहला में बनना तो इंस्पेक्टर ही है, और जब जूही रानी आपने ठान लिया इंस्पेक्टर है तो आप हमेशा याद रखो, कहो जूही इंस्पेक्टर जूही रानी, इंस्पेक्टर जूही रानी। रोज सुबह सुबह सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद हमेशा इस भाव से भर के सोना, आई एम एन इंस्पेक्टर, आई एम एन इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर बनने के बाद जो भी आपकी दुनिया में हो रही है, जो आप चाहते हो कि हो, इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी दुनिया में जो कुछ हो उन सबको फील करो, महसूस करो। लेट योर एवरी लिम्ब फील इट। अपने एक एक नर्व को, एक एक मांसपेशियों को बिल्कुल प्राण के आखिरी पैदान पे जाके वहां महसूस करो कि आई एम एन इंस्पेक्टर, आई एम एन इंस्पेक्टर। बोलते बोलते सो जाओ और सुबह जब उठो धन्यवाद देते हुए खुदा का, हाथ में देखो इंस्पेक्टर 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 का तस्वीर छपा हुआ है, हाथ में तस्वीर दिखनी चाहिए। मन से उतरकर तस्वीर हाथों तक आ जाए कि आपको सितारे लगे हुए तस्वीर अगर आपके हथेली पे दिखने लगे, समझ जाइए आप सफल हो गए। यहां पे क्या जाएगा, एसबीआई पीओ। क्या बात है, यहां पे बिल्कुल द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हैव आएगा, हैज आएगा, इज आएगा, आर आएगा। यहां पे द नंबर के मुताबिक इज का इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों, द नंबर के मुताबिक यहां पे हैव नहीं, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जूही रानी। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, हैज का इस्तेमाल करेंगे, हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सब लोगों ने अ नंबर द नंबर के बारे में किसी को कंफ्यूजन है, अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर, नो कंफ्यूजन थम्स अप, नो कंफ्यूजन थम्स अप। फिर हम बात को बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आइए अब आपको कुछ सवाल है ना, और नंबर सेशन नंबर 3, इसमें कुछ सवाल बनाते हैं। 20 सवाल है, फटाफट बनाइएगा। मुझे पता है कि समय काफी हो चुका है, लेकिन मुश्किल से 7 मिनट और लगेगा। 10 बजे से पहले ही आपको मुक्ति मिल जाएगी यहां से। ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिक हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव। फर्स्ट में बताइएगा, फर्स्ट में क्या आएगा। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिक हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, नो एरर। क्या बात है, किसने कहा, भूमिका कौशिक जी ने। क्या बात है भूमिका जी, आपने कमाल कर दिया, बहुत ही सुंदर, नो एरर। जो सबसे पहले बोलेगा मैं उसी का सिर्फ नाम लूंगा। देखते हैं कौन पहले बोलता है। और इन बिटवीन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूर दूर तक फैला दीजिए प्लीज। फैलाएंगे तभी हम सब मिलकर मन लगा के मेहनत कर पाएंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिपोर्टिंग, द नंबर के मुताबिक हैज का इस्तेमाल करेंगे, द नंबर के मुताबिक हैज का इस्तेमाल करेंगे। और सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नो एरर ई, नो एरर ई, नो एरर ई, नो एरर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, द नंबर के साथ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे आर लेस बिकॉज ऑफ द रूमर ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। देखते हैं द नंबर के साथ आप इस पर कौन सा वर्ब का इस्तेमाल कर पाते हैं। द नंबर के साथ सिंगुलर, द नंबर सिंगुलर, द नंबर सिंगुलर, अ नंबर प्लूरल, अ नंबर प्लूरल। देखते हैं कौन बना पाता है। The number of students present in the school today are less because of the rumor of an approaching storm. बहुत ही सुंदर, सारे बच्चों ने सेकंड का आंसर दिया है। आर लेस की जगह सबने कहा है बी नहीं इज आएगा, बी मतलब बी में क्या एरर आ गया, प्रेजेंट इन स्कूल टुडे आर लेस, आर किसके लिए आया, नंबर के लिए कभी आर नहीं आ सकता, इज का इस्तेमाल करेंगे। सारे बच्चों ने इज का इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया, बहुत ही सुंदर। द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। फटाफट आगे बढ़ाए। थर्ड का बी, तुषार जी नाम भूल रहा हूं, थर्ड का बी, थर्ड का बी बिल्कुल सही जवाब। द नंबर के मुताबिक वज आएगा, द नंबर के मुताबिक वज, द नंबर के मुताबिक वज का इस्तेमाल करेंगे और सारे बच्चों ने वज का इस्तेमाल किया, सारे बच्चों ने वज का इस्तेमाल किया। फोर्थ नंबर, द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द वेडिंग आर 1000, द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। देखते हैं द नंबर के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, द नंबर के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, द नंबर के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फोर्थ का इज बिल्कुल सही जवाब, द नंबर के अकॉर्डिंग इज का इस्तेमाल करेंगे, द नंबर के मुताबिक इज का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ नंबर, द नंबर ऑफ पीपल हु ओन पर्सनल कंप्यूटर आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। व्हाट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द नंबर ऑफ पीपल हु ओन पर्सनल कंप्यूटर आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सही बना पाता है। क्या इनक्रेडिबल है, गजल या लखन या संदीप या अलीसा या राहुल या सिद्धार्थ या राधा या सुनील या पवन या यश कुमार या फिर अतुल या अनिश या दीपेश, कौन सही बना पाता देखते हैं इस बार हम। पांचवा का इज, द नंबर ऑफ पीपल हु ओन पर्सनल कंप्यूटर इज, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, सारे बच्चों ने इज का। फाइव का इज, इज आएगा, फाइव जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना ताकि मुझे समझ में आए। फाइव का इज, फाइव का इज, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। देखते हैं कौन सही बनाता है। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सही बनाता है। कौन है वो जो मदर डेयरी का दूध पी के आया है, अमूल का दूध पी के आया है, भैंस गाय का दूध के पी के आया है। मां का दूध आजकल कहां नसीब होता है, आजकल तो रिश्ता ही बदल चुका है। गाय का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है, पाउडर को दूध बना के बच्चे पीते हैं, इसलिए मैं कहता हूं मदर डेयरी का दूध। आप बताइए छठा का क्वेश्चन, छठा का नो एरर, छठा का बहुत बच्चे कह रहे हैं नो एरर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिल्कुल सही जवाब, द नंबर इज, द नंबर इज, द नंबर इज, सही जवाब। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, the number of foreign tourists visiting India are increasing day by day, are increasing day by day। देखते हैं ये कौन सही बनाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सही बनाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, भूलिए मत, अपना फर्ज जरूर निभाइए। सेवेंथ का बी, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, द नंबर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इज, द नंबर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब इज, इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल, इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल, हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल, हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस होता है सिंगुलर, विदाउट एस और ई एस होता है प्लूरल, विदाउट एस और ई एस होता है प्लूरल। तो आपने सब सही कहा है। आठ नंबर क्वेश्चन, the number of tourists is expected to rise from 4% to 10% in the next 10 years. The number of tourists is expected. What is expected? The number subject. देखते हैं वर्ब क्या आएगा इसके साथ. The number. बनना तो इंस्पेक्टर ही है. 7 is. अच्छा अच्छा समझ में आ गया. बनना तो इंस्पेक्टर नाम है किसी का. आठ नंबर. भूमिका जी ने कहा नो एरर. देखते हैं भूमिका जी, और बिल्कुल भूमिका जी आप जीत चुके हैं 36 करोड़ रुपया. बिल्कुल सही जवाब. यहां पे क्या आएगा? नो एरर. A great number of students volunteers each year for environmental projects. No number. A great number. No number देखते कौन सही बनाता है. 8 और 9 एरर. राधा वर्मा, राज कौशिक, प्रीति सिंह, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया. जहां भेजा जा रहा है सब सही. इनक्रेडिबल इंडिया बिल्कुल सही जवाब. पवन मैथ्स बिल्कुल सही जवाब. नाइन्थ का देखते हैं नाइन्थ कौन बनाता है सही. अभी तो कोई जवाब नहीं आया. सर प्लेलिस्ट मिलेगी या नहीं? ये सब हमारे प्लेलिस्ट मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? प्लेलिस्ट क्या होता है मैं समझ लेता हूं. उसके अकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी आपको. आप जो ही मांगोगे सब मिलेगा. नाइन्थ का बी. भूमिका कौशिक ने सबसे पहले जवाब दिया. नाइन्थ का बी. और ग्रेट नंबर आ गया. ग्रेट नंबर प्लूरल वर्ब. वॉलंटियर आएगा. अ ग्रेट नंबर ऑफ इलीगल ड्रग्स. अ ग्रेट नंबर कौन सा वर्ब आएगा बताइए. ग्रेट नंबर, अ लार्ज नंबर, अ गुड नंबर, कौन सा वर्ब आएगा सही या गलत बताइए. 10 नंबर क्वेश्चन. सारे नाइन्थ के भी सारे बच्चों सही बनाए. 10 नंबर क्वेश्चन. दस का सबने कहा सी. अ ग्रेट नंबर ऑफ इलीगल ड्रग्स. अच्छा, अ ग्रेट नंबर के मुताबिक प्लूरल वर्ब, क्योंकि ग्रेट नंबर सब्जेक्ट कौन है? इलीगल ड्रग्स. यहां पे हैज नहीं हैव का इस्तेमाल करेंगे. बहुत ही सुंदर. हैज नहीं हैव का इस्तेमाल करेंगे. 11 नंबर क्वेश्चन. देयर इज अ नंबर ऑफ थिंग्स वी नीड टू डिस्कस. 11 नंबर 1, 11 नंबर 2, 11 नंबर 3, 11 नंबर 4, 11 नंबर 5, 11 नंबर 6 और R आ गया. किसी बच्चे ने कहा R, नाम तो तेजी से निकल गया. यहां पे आया ग्रेट नंबर ऑफ इलीगल, सॉरी, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स. अ नंबर ऑफ थिंग्स के मुताबिक इज नहीं आर आएगा. सब्जेक्ट देयर नहीं होता है कभी. सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ थिंग्स, वर्ब आ जाएगा आर. बिल्कुल सही जवाब. 12 नंबर क्वेश्चन. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, अ गुड नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, सबके साथ आएगा कौन सा वर्ब? ये खुद बताइए आप. सबके साथ कौन सा वर्ब आएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए. सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल? 12 नंबर. 11 तो सही. 12 का R. जीएस कौशिक, प्रीति जी, सब आपने बिल्कुल सही कहा. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर. 13 नंबर. द नंबर सिंगुलर. देखते हैं कौन बना पाता है इसे. द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड आउटसाइड द हॉल्स आर 20. तेरह नंबर. इस बार 13 नंबर कौन लिखता है? 13 का इज. गीता, विशाल, पता नहीं क्या नाम था। बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा, द नंबर इज 20, द नंबर इज 20, बिल्कुल सही जवाब। A large number of people, a large number of people have died because of the cold summer. A large number, a good number, a great number, a significant number of people. Plural verb, yes, singular verb. Plural verb, yes, singular verb. Plural verb, yes, singular verb. Plural verb आएगा या आएगा singular verb. Plural verb आएगा या आएगा singular verb. प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब। 14 का डी, 14 का नो एरर, अ लार्ज नंबर पीपल है, बिल्कुल सही जवाब। और नंबर दो नंबर, इतना सवाल बना लेंगे दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा अंदर तक, दिमाग से अतरी तक पहुंच जाएगा। द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली, द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैव इंक्रीज। 15 नंबर, जाइएगा मत मेहरबान कदरदान देवी और सज्जनों, बने रहिए और अपने असिस्टेंट का हौसला बढ़ाते रहिए, अपने असिस्टेंट का हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि बॉस तो आप ही हो, आप ही को बनना है इंस्पेक्टर, हम तो बाहर ही रह जाएंगे, आपके कंधों पे सितारे सजेंगे और हम बाहर से ही चमत्कार को नमस्कार करेंगे। 15 नंबर द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हैव। 16 नंबर, 15 में बिल्कुल सही कहा आपने, हैव का इस्तेमाल करेंगे। 15 में हैव द नंबर के साथ हैव आएगा, क्या बात है, सही कहा आपने। द नंबर हैव इंक्रीज, क्या बात, द नंबर हैज, द नंबर हैज, द नंबर हैज, द नंबर हैज, क्यों आप हैव में आ जाते हो बताओ, हैव का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा हैव लिख दिया था। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, have doubled in the last 6 months. The total number of students have doubled in the last 6 months. देखते हैं कौन सही बनाता है। The total number of the total number of देखते हैं कौन से में, किस में कितना है दम। नंबर, द नंबर या द टोटल नंबर, वर्ब क्या आएगा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। 17 नंबर क्वेश्चन, a number of refugees has been turned back, a number of refugees, सारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अभी 21 सवाल बनाएंगे, पूरे 21 हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। a number of refugees have का इस्तेमाल करेंगे, a number of refugees have का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान, बस 4 क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन में ही चमत्कार हो जाएगा, बस अपना ध्यान बनाए रखिए आप। एज सुन एज विंटर सेट्स इन, जैसे विंटर आती है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट, ओ माय गॉड, द नंबर आ गया ना तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा, ABCD, ऑप्शन क्या आएगा, ABCD, जाइएगा मत, बहुत जरूरत है भी आपकी, जितने भारी संख्या में बने रहेंगे मेरा मनोबल उतना बढ़ता रहेगा, अदरवाइज हम भी धीरे धीरे ऊर्जा को खोते चले जाएंगे। जरूरी है आपका जाग जाना। 18 नंबर क्वेश्चन, as soon as winter sets in, the number of tourists start increasing suddenly, क्या आएगा बताइए। द नंबर। सारे बच्चों ने कहा 18 का बी, द अमाउंट, ओ माय गॉड, ये अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट मात्रा को बताता है, द अमाउंट मात्रा, नंबर संख्या, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ पेपर, द अमाउंट ऑफ सुगर, द अमाउंट ऑफ चेयर नहीं बोलोगे, द अमाउंट ऑफ चेयर्स नहीं, द नंबर बताएंगे इसको भी आगे कि अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अमाउंट ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ और अ नंबर ऑफ, ये में क्या डिफरेंस है याद रखिएगा। अमाउंट नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा सी, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि अमाउंट थोड़ी आएगा। आप फंस गए अमाउंट और नंबर में। नंबर संख्या की बात करता है, अमाउंट मात्रा। टूरिस्ट की संख्या होगी या टूरिस्ट की मात्रा होगी, और दूध की मात्रा या दूध की संख्या। अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और नंबर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसे आएगा सी। चलो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 19 नंबर, देयर इज मच डिमांड फॉर फ्यूल एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, द नंबर आर इंक्रीजिंग। देखते हैं एबीसीडी क्या आएगा 19 का, एबीसीडी 19 का, 19 का देखते हैं क्या आएगा। उन्नीस का रिकॉर्डेड बैच 7 जून से शुरू हो रहा है, हालांकि 3 से शुरू होने वाला था, बट अब ऐप में कुछ अपडेट होने की वजह से इसे पोस्टपोन करके 7 जून कर दिया गया है। जुड़िए आप भी, और आप भी जुड़िए, मेहनत कीजिए हमारे साथ, और जो सपना है 200 में 200 जरूर आएगा, इसके लिए प्रयास कीजिए। 19 का सी इज इंक्रीजिंग, क्या बात है, द नंबर इज इंक्रीजिंग, वेरी गुड, 19 का सी। 20वां सवाल, लास्ट नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट का अंग्रेजी होता है पेनल्टीमेट। पेन और अल्टीमेट दोनों कंबाइन कर दो, बन जाएगा पेनल्टीमेट, मतलब सेकंड लास्ट। 20 नंबर, 19 सबका सही सही था। 20 नंबर जाते जाते मैं हमेशा यही कहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कितना बुलवाते हैं अपने टीचर से आप, ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े। और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं पढ़ाने पे, कुछ ऐसा कीजिए आप। बीस का देखते हैं, 20 का कौन माता, 20 का सीनू रावल जी ने 20 का ए कहा है, धीरज सिंह ने भी 20 का ए कहा है, धीरज जी सबसे पहले कहे थे। तो एज द समर वेकेशन अप्रोचेस द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज इंक्रीज्ड। परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, ये फैक्ट है, ये एक स्थिति है जो हमेशा होती है। जैसे समर वेकेशन आता है टूरिस्ट की संख्या बढ़ चुकी है, नहीं बढ़ती है, जैसे वो आता है तुम चले जाते हो, तुम जा चुके हो नहीं, यानी कि दोनों साथ साथ हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट में आएगा, टेंस में आप फंस गए, वहां अमाउंट में फंस गए थे, यहां पर आएगा बीस। ये क्या है, आर इंक्रीज बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ये ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन हैज इंक्रीज बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इंक्रीजेस, बी आंसर आएगा, इंक्रीजेस बाय लीव्स एंड, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही जवाब। परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, कहते हैं ना जैसे तुम मेरे पास आते हो मेरी धड़कन बढ़ चुकी है या बढ़ने लगती है, जैसे तुम मुझे टच करते हो वैसे ही मैं बेहोश होने लगता हूं, दोनों काम साथ साथ हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। जब भी तुम हंसते हो मैं रोने लगता हूं, दोनों सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वैसे जैसे समर वेकेशन आता है टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगती है, इंक्रीजेज बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बी फॉर बाहुबली। एंड ये आखिरी सवाल है, उम्मीद है अंत भला तो सब भला, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल। 21 नंबर सवाल, ऋषा मिश्रा जी बस आखिरी सवाल है, संभाल के रखिए, बड़ा मुश्किल होता है पता है। एक आर्नल्ड हैं, वो कहते हैं ऋषा जी कि जब तुम्हें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब ये बोरिंग लगने लगे, दम टूटने लगे, समझ लो वहीं से शुरू होगा तुम्हारा मसल बिल्डअप होना। जहां से तुम टूटने लगे, जहां से चीजें बोरिंग लगने लगे, समझना वहीं से असली यात्रा शुरू होगी। वहीं से ये बाइसेप ट्राइसेप्स और ये डोले सोले बनने शुरू होंगे। इसे संभाल के रखिए, समझिए अपने मैकेनिज्म को, इतना जल्दी हार मत मानिए आप। क्या जाएगा 21 द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैव बीन इंक्रीजिंग हैज बिन इंक्रीजिंग द नंबर हैज बिन। सारे बच्चों ने 21 का बी 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 बी, आप भी देख पा रहे होंगे, मैं भी देख पा रहा हूं, बी 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 बी, सबने कहा बी 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 बी, और आप सबने कमाल कर दिया है, आप सबने कमाल कर दिया है। और देखिए मैं तो इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। आया था पढ़ाने, एक घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा पढ़ा के जा रहा हूं, मैं तो अपना पाठ निभा रहा हूं। मुझे एज ए टीचर जितना मेहनत करना चाहिए, औकात से बढ़कर, हद से ज्यादा, उम्मीद से बढ़कर मैं मेहनत करता हूं। जो जानता नहीं उसको सीख कर सिखाने का प्रयास करता हूं, जैसे भी हो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वादा किया है हमने कि 200 में 200 लाना है, 200 में 200 लाना है, कोई कसर न छूट जाए, पूरा ख्याल रखता हूं। आप भी मेहनत कीजिए और इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज लाइट के चक्कर में क्लासेस भी नहीं हो पाई और वोकैब का सेशन भी नहीं हो पाया। कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, कल फिर नए पॉइंट ऑफ एयर के साथ, नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ मिलेंगे। और जो 30 सवाल जो दिया गया है ना, जो 30 सवाल जो हार्डली स्कार्सली एज सुन एज पे था, उसको भी बनाएंगे। आज नहीं, हम उसको कल भी डिस्कस करेंगे। अभी आप बता दीजिए कि ये वाला पेज क्या मैं डाल दूं, अगर आप कहते हैं तो मैं डाल दूंगा, अगर आप कहते हैं नहीं, अगर ये पेज है, ये पेज जो आप देख पा रहे हैं, ये 8 पेज है, ये 8 पेज है, ये पेज अगर आप कहते हैं टेलीग्राम पे डालने का तो मैं डाल देता हूं, अदरवाइज और नंबर 10 नंबर का पेज तो डालना ही है। ये वाला पेज अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूं तो थम्स अप, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूं तो थम्स अप थम्स अप थम्स अप, और चाहते कि नहीं सर बिना डाले मैं समझ गया, अब इसको हम तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, आपने हमारे दिमाग तक पहुंचा दिया है, इसे टेलीग्राम तक इसे पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, और आप कहते कि नहीं सर इसे आप डाल दीजिए, तो निश्चित रूप से हम डाल देंगे। बता दीजिए थम्स अप। अगर चाहते हैं कि हम इसे कहां पे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दे ताकि डाउनलोड कर ले, ये अगर रत्ती भर भी अगर आपको फायदा पहुंचाएगा, रत्ती भर भी फायदा पहुंचाएगा, तो थम्स अप कीजिए आप, थम्स अप कीजिए आप। क्योंकि हाथ से लिखा है तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी थोड़ा बहुत, बहुत ही सुंदर। सारे बच्चों ने कहा इसका मतलब हमारा मेहनत वाकई में हमने जो सोच के मेहनत किया था, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे आइडिया दिया कि वहां जाकर पढ़ाऊं, इससे बेहतर है कि मैं लिख कर जाऊं ताकि बच्चों को ज्यादा ज्यादा समझा सकूं कम से कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी अपलोड कर देते हैं, और नंबर वाला अपलोड कर देते हैं, हार्डली वाला अपलोड कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। कल रात फिर मिलेंगे 9 बजे, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ एरर नंबर 4 के साथ मिलेंगे। आना मत भूलिएगा, दोस्तों को भी लेके आइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। अभी 200-400 की संख्या में आ रहे हैं आप, मैं चाहता हूं कि 2,000-2 लाख की संख्या में आप सब जुड़ें, तब मुझे लगेगा कि मैं वाकई में जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच, तभी इतनी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर, गुड नाइट एंड टेक केयर। और मनीषा जी और मिश्रा जी, बोर नहीं होने देना है। मास्टर लाख बोर करे पढ़ा कर, मास्टर लाख बोर करे मेहनत कर करके आपके साथ, लेकिन भागना नहीं है। बच्चा में भागते थे, पापा नहीं पढ़ेंगे, पापा पीट पाट के पढ़ाते थे, तब जाके किसी पर यहां पहुंचा। तो ध्यान रखना अपना, आपका दिमाग आपको भटकाएगा। गॉड ब्लेस, गुड नाइट एंड टेक केयर, गुड नाइट एंड टेक केयर।